राजकीय कृषि महाविद्यालय में दूसरे दिन भी छात्रों का धरना जारी रहा। धरने पर बैठे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैंपस के अंदर छात्रों को मोबाइल लाने की अनुमति के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट स्वीकार करने से लेकर कई मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। वहीं छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। इस दौरान SDM ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की है। मामले में कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्रों को समझाने की कोशिश जारी है। मामला ये है कि 2 तारीख से 2 जनवरी से इनके एग्जामिनेशन चालू है, परीक्षा, और जो गवर्नर हाउस के आदेश है उसके अनुसार 75% उपस्थिति अनिवार्य है, और जिन बच्चों की 75% से कम है वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और जिन बच्चों ने क्लासेज रेगुलर नहीं ली है, क्लासों में नहीं आए हैं, उनकी 75% से कम उपस्थिति है, उसी वजह से ये हम कल से यहाँ पे धरना रख है। हम महाविद्यालय में हमारी प्रमुख मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। हमारी 4 मुख्य मांगे उनके लिए कल SDM साहब यहाँ आए थे और शाम को हमारे को आश्वासन दे दिए थे कि कल मैं इसका कुछ रास्ता निकालूंगा। अभी SDM साहब यहाँ हमारे महाविद्यालय में आए थे हमारी मांगों के लिए। कॉलेज से हमारे जो सर है वो हमारे पास आए कि हम जिन बच्चों की शॉर्ट है उन बच्चों को अंदर ले जा रहे थे। हमारी मांग थी कि हमारी जो और भी मांगे हैं तो हम यहीं बैठ के बात करना चाहते हैं।